अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.3। और एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये जो नंबर्स आपको दिए हुए हैं इनका डेसिमल फॉर्म में लिखना है और आपको बताना है कि ये किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 36/100, दूसरा नंबर है 1/11 और तीसरा नंबर है 4:1/8 और तीसरा है 3/13, देन है 2/11 और इसके बाद नेक्स्ट है 329/400। तो देखिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट, 36/100। 100 से किसी भी नंबर को डिवाइड करना बहुत इजी होता है, ये आपने पहले 7th स्टैंडर्ड में और 8th स्टैंडर्ड में सीखा है और उससे पहले भी सीखा है कि अगर 1 के साथ 0 लगा हुआ है तो ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही लिख लीजिए, इसमें 2 0 हैं तो लास्ट से 2 नंबर के पहले डेसिमल लगा लीजिए, तो आंसर आ गया 0.36। और इसके बाद यानी इसमें 0 से जब भी हम 100 ऐसे 1 के साथ जितने भी जीरो, चाहे 1 0 हो या 2 0 हो या 3 0 हो, उससे जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है, यानी कुछ भी रिमाइंडर में नहीं रहता है। तो ऐसा नंबर हमारा कौन सा नंबर बनेगा? टर्मिनेटिंग नंबर। ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। हमारा फर्स्ट आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है 1/11। हमने 11 से 1 को डिवाइड करना है, जब 1 से डिवाइड करना है तो नंबर हमारा छोटा है तो हमने डेसिमल लगा के 0 बढ़ाया, अभी भी हमारा नंबर छोटा है तो हमने 0 लगा के फिर एक और 0 बढ़ाया। अब 11/9 का क्या हो जाएगा हमारे पास? 99। कितना बच गया? 1 बच गया। तो आप देखिए हमने 1 से शुरुआत करी थी और 1 ही आ गया, इसका मतलब ये नंबर यहां से यहां तक जब आने के लिए जितने नंबर आए हैं यानी यही नंबर बार बार यहां पर रिपीट हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको यहां समझा देती हूं, आपका ये हम एक 0 लगा सकते हैं, अभी भी हमारा नंबर छोटा है, नंबर छोटा है तो हम फिर क्या करेंगे, 0 लगा के एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर 9 फिर 99 और फिर बच गया हमारा 1। अब आप शायद समझ गए होंगे और रिमाइंडर बार बार हमारा 1 आ रहा है, इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटेड नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटेड है और रिमाइंडर बार बार बच रहा है तो हमारे यहाँ पर कैसा नंबर आ रहा है? रिपीटेड नंबर आ रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.0909 और या फिर हम लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर बार। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटेड स्पेलिंग को आप देख लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग या रिपीटिंग, रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, इसको 4:1/8 तो हम लेंगे 8 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ देख लें 33 8 से किया 8 4 32, 1 बच गया पॉइंट लगा के 0 लगाया, 8 1 8 हो गया, 2 बच गया 0 लगा लिया, 8 2 16 आ गया, 4 बच गया फिर 0 लगा दिया, 8 5 40। रिमाइंडर में हमारा कुछ भी नहीं बचा, जब रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब ये हमारा किस टाइप का नंबर हो गया? ये हमारा हो गया 4.125, यानी ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। अब हमारा आते हैं 3/13। 3/13 के लिए हमने 13 से 3 को डिवाइड किया, नंबर छोटा है डेसिमल लगा के 0 बढ़ा दिया, अभी भी नंबर छोटा है तो 0 लगाया, नहीं सॉरी 13 का टेबल हम लोग 2 बार पढ़ सकते हैं, 13 2 26, 4 बज गया फिर 0 लगा लिया, 13 3 39,
वन बच गया, फिर हमने जीरो लगा लिया। अब जीरो लगाया तो अभी भी ये 13 से हमारा छोटा है, जब हमारा 13 से छोटा है तो हमें यहाँ पर जीरो लगा करके एक बार और जीरो लगाना पड़ेगा। अब हम पढ़ सकते हैं 13 7 जा कितना होता है 91, 13 7 जा 91 कितना बच जाएगा 9, हमने फिर एक जीरो लगा लिया। तो 7 टाइम्स पढ़ते थे, अगर 91 है तो हमें 6 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा, 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78, कितना आ जाएगा 12, ये माइनस कर रहे हैं, ठीक है 12। अब 12 के बाद मैंने एक जीरो लगा लिया 120, 13 10 130 तो 39 हो जाएगा 117, हमारा बच गया 3। देखिए हमने क्वेश्चन 3 से स्टार्ट किया था, वापस 3 आ गया, इसका मतलब ये टर्मिनेटेड तो नहीं है, और टर्मिनेटेड नहीं और सेम ही नंबर आ गया है इसका मतलब ये रिपीटेड भी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.230769 और ये वाला नंबर बार बार आएगा यानी हो जाएगा नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन पर, जो हमारा क्वेश्चन है 3/2/11। अभी हमने 1/11 का तो आंसर निकाला है, 11 से डिवाइड हम किसी भी नंबर को करेंगे तो डेफिनेटली वो नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटेड ही होगा, तो हम इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम इसको लिख ले 2 × 1/11 और 2 × 11 की वैल्यू क्या निकाली। देखिए वैसे तो आपको लॉन्ग डिवीजन ही करना है, लेकिन अगर आपके पास पहले से निकली हुई है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 0.09 बार, तो ये हो गया 9 × 18 और आपका केवल एक नंबर के ऊपर बार है तो यहाँ आ गया डेसिमल और जीरो यानी 8, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, हमारे पास नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 329/4 × 100, पहले हमने 4 से इसको डिवाइड कर दिया, जब हमने 4 से इसको डिवाइड कर दिया 329 को तो क्या आ गया 4 8 32 पूरा पूरा डिवाइड चला गया 9 4 2 8 बच गया 1, डेसिमल लगाया 0 4 2 अगेन 8 बच गया 2, फिर 0 लगाया 4 5 20 यानी आ गया 82.25 डिवाइडेड बाय 100। और 100 से डिवाइड के लिए मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, आप नंबर को लिख लीजिए क्या नंबर आएगा 82.25 और 100 में कितने जीरो है 2, तो यानी डेसिमल और 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा यानी यहाँ चला जाएगा तो आ जाएगा 0.8225 और ये हमारा किस प्रकार का नंबर बन गया, हमारा टर्मिनेटेड नंबर बन गया, टर्मिनेटेड नंबर। और अब मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देती हूँ कि कौन सा नंबर टर्मिनेटेड होगा और कौन सा नंबर नॉन टर्मिनेटेड होगा इसकी पहचान। हम चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं 4:1/8 की तरफ। 4:1/8 में अगर आप देखें इसको हम लिख सकते हैं 33/8। शॉर्टकट ट्रिक जानने के लिए हमें इसके केवल डिनोमिनेटर को देखना है, किसको देखना है केवल डिनोमिनेटर, और इस डिनोमिनेटर को हमें प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। हम इसका प्राइम फैक्टर लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 या और हम लिख सकते हैं इसे 33/2। अब और अब यहाँ पर देखने की बात यह आती है, हमें देखना है कि यहाँ पर जो नंबर लिखा है बेस और पावर में लिखा है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा है, तो अगर हमारा बेस 2 है, यहाँ पर जो बेस है वो हमारा अगर 2 है 5 है और बोथ मतलब दोनों हैं तो वो टर्मिनेटेड ही बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टर्मिनेटेड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप खुद देख लीजिए कोई भी नंबर है उसको हम 2 से डिवाइड करें पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। किसी भी नंबर को हम 5 से डिवाइड करें बिल्कुल हो जाता है। 2 and 5 make 10, 10 से डिवाइड करें तो डेसिमल के फॉर्म में चाहे आ जाए लेकिन डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 2 है 5 है और 8 दोनों है अगर, तो वो हमेशा टर्मिनेटेड नंबर बनाएंगे। लेकिन 2, 5 और 8 या तो अकेले हैं तब, या इनके साथ अगर कोई और दूसरा नंबर चल लग गया पीछे पड़ गया इनके साथ तो वो उसको नॉन टर्मिनेटेड कर देंगे। ठीक। अब लेकिन देखना है कि डेसिमल के बाद में अगर आंसर जा रहा है तो कितने प्लेस तक,
अब यहाँ पर काम आती है हमारी पावर। पावर कितनी है? 3। इसका मतलब देख लीजिए, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक ये टर्मिनेट होगा। पहले तो 2 है तो टर्मिनेट होगा। कितने प्लेसेस तक? डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आंसर जाएगा। तो देख लीजिए, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक आंसर जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा ये टर्मिनेटेड था, हम इसको देख लें। 329 अपॉन हमने इसको लिख लिया था 4 × 100, ठीक है। अब हमने लिख लिया 329, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, और 10 की पावर 2 को भी लिख सकते हो 2 × 5। चलिए ऐसा कर लेते हैं, 2 × 5 की पावर 2, तो एक्चुअल में ये हो गया 329 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2। अब देखिए, डिनोमिनेटर में भी जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा है वो दोनों के बेस के हैं, 2 और 5 हैं। 2 और 5 अकेला हो या दोनों हो, मैंने कहा था क्या बनाएंगे, टर्मिनेटेड बनाएंगे, यानी टर्मिनेटेड नंबर होगा। अब डेसिमल एक्सपेंशन की बात करनी है तो हम देखते हैं किस नंबर की पावर ज्यादा है, ज्यादा वाली पावर देखनी है, 2 की पावर ज्यादा है, कौन सी है, 4। इसका मतलब डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक आंसर जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए, डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक आंसर जा रहा है। इससे आप आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर हमने निकाला है ये एकदम करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये जो शॉर्टकट ट्रिक भी है समझ में आ गई होगी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है, यू नो दैट 1/7 = 0.142857 बार, यानी 0 के बाद में जो नंबर लिखे हैं सारे 6 डिजिट के नंबर के ऊपर बार है, यानी 1/7 की वैल्यू नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटेड है। तो कह रहे, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली लोइंगर लॉन्ग डिवीजन मेथड, इफ सो एंड हाउ। कह रहे कि अगर हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना है तो क्या आप इसका आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हो, क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। जब हमें 1/7 की वैल्यू बार के फॉर्म में पता है तो हम 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए, 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/7 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यानी 2 × क्या हो जाएगा, 0.142857, और इसके ऊपर बार, यानी 6 डिजिट के ऊपर बार है, तो आप जस्ट इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म हो जाएगी कहानी। 2, 7, 2, 14 का 4, 1, 5, 10, 1, 11 का 1, 1, 16, 17 का 7, 4 और 1 5, 2 8 5, 8 और 2 का 2, 0.0, कितने डिजिट आए, 6 डिजिट। 6 डिजिट के ऊपर बार था तो हमारा अभी भी आंसर 6 डिजिट के ऊपर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7, यानी कि 3 × 0.142857 बार। 3 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दिए, 7 × 3 = 21 का 1 = 2, 15 × 6 = 7 कैरी 1 + 8 = 24 और 25 = 5 कैरी 2 × 3 = 6, 7, 8, 4 × 2 = 12, 12 × 2 = 1, 3 × 3 = 1, 4 0. ये हमारे पास बार बन गया। सिमिलरली ऐसे ही हम 4/7 को लिख सकते हैं, 4 × 1/7, और इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1/4287 बार। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा, 7 × 4 = 28 का 8 = 2, 7 × 5 = 4, 5 × 20 = 22 = 2 = 8 × 4 = 32, 34 = 4 = 3, 4 × 8 = 11 = 1, 1 × 4 = 11 = 8, 8 × 4 = 16 = 17 = 7, 8 × 4 = 8, 5 0.57128। बिल्कुल ऐसे ही हम लिख सकते हैं 5 × 1/7, यानी आ गया 5 × 0.142857।
जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लाई 7 5 35 का 5 कैरी 3, 5 5 20 5 5 20 5 5 14 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
और यहाँ पर पुट कर देना है। सिमिलरली आप 6/7 का भी आंसर ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है और ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। मैं आपको दोनों तरीके यहाँ पर करके बता दूंगी और ताकि आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उस मेथड से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिएगा। पहले मैं सिंपलेस्ट मेथड बता देती हूँ जिससे कि आप आसानी से इसको समझ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। कह रहे यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया 0.6 बार, इसको आपको किसके फॉर्म में, p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आपको याद होगा इंट्रोडक्शन में मैंने आपसे कहा था ये बार वाले यानी नॉन टर्मिनेटेड एंड रिपीटेड नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी, वही मैं आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम इनको रिप्रेजेंट p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम ये एक प्रोसेस है, हमको इसी प्रोसेस से इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले से लिखते हैं लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार, और 0.6 बार का मतलब क्या हो गया, 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है, हमारी ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देखना है कि जो बार है हमारे कितने नंबर के ऊपर लगा है, कितने नंबर के ऊपर बार लगा है, एक नंबर के ऊपर बार लगा है। तो 1 के साथ उतने 0 लगा लीजिए तो क्या बन जाएगा, 10। यानी हमें इस पूरी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों करना है, इसका रीजन भी समझ लीजिए, क्योंकि जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर ये जो ये वाला नंबर है इसका एक डिजिट जो है हमारा कहां पर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, यानी एक नंबर के बाद में डेसिमल आ जाएगा। और हमारा एम ये भी है कि हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है कि डेसिमल के बाद में रिपीटेड नंबर हो, डेसिमल के बाद में क्या नंबर हो, रिपीटेड नंबर होना चाहिए। ठीक, तो हमने जैसे ही यहाँ पर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड को, जब इक्वल्स टू के इक्वल्स टू का साइन होता है तो हम बोथ साइड में ही मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे कि किसी भी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को कोई उसमें डिफरेंस नहीं आता है। जैसे ही हमने बोथ साइड में मल्टीप्लाई किया, यहाँ x में 10 का मल्टीप्लाई किया तो बन गया 10x इक्वल्स टू, और जैसे आपको एक चीज ये भी पता होगा ना, किसी भी डेसिमल के नंबर में मल्टीप्लाई करती है तो नंबर बड़ा हो जाता है और डिवाइड करते हैं तो नंबर छोटा हो जाता है। जैसे इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे ये 6 जो है वन प्लेस इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। ये कोई इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखिए डेसिमल के बाद वाले नंबर सेम है, चाहे उसे हम बार के फॉर्म में लिखें या विदाउट बार के फॉर्म में लिखें, दोनों ही बातें ठीक है। वैसे हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.6 बार लिख सकते हैं ना, और इसको भी क्या लिख सकते हैं 6 बार लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो उसको बार के फॉर्म में रहने दीजिए, आप चाहें तो बार के फॉर्म में मत लिखिए। ठीक है, चलिए आपने इसको 6 बार ही रहने दिया और ये हमारे पास फिर बन गया 6, ये मैंने बार ले लिया। ठीक है, अब हमारे पास था 10x इक्वल्स टू 6.6 बार, तो मैं इसको 6.6 बार को क्या लिख सकती हूँ, 6+0.6 बार लिख सकती हूँ। मैंने इस नंबर 6.6 को ब्रेक कर दिया, 6 को सेपरेट कर दिया और 0.6 को सेपरेट कर दिया, और इस 0.6 को हमने क्या सपोज किया यहाँ पर x, तो हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10x equals to 6+x। क्लियर, अब x और x को हम सॉल्व कर सकते हैं, 10x minus x equals to 6,
6, यानी आ गया 9x इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6 अपॉन 9, 3 3 जा 9, और सॉरी 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो x इक्वल्स टू आ गया 2/3। हमने यहाँ पर 0.6 बार को p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 बट p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। तो आपने यहाँ देखा कि हम इनको किस तरीके से p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले दो बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होती है, हमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करना है, और दूसरी बात यह ध्यान रखनी होती है कि डेसिमल के बाद में हम चाहते हैं रिपीटेड नंबर ही हो। अगर ये दो बातें अगर आपको याद हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी बता देती हूँ। चलिए अब हम देखते हैं इसी का सेकंड क्वेश्चन है, मैं यहीं पर कर देती हूँ। 0.47 बार और यहाँ केवल 7 के ऊपर बार है, केवल एक डिजिट के नंबर के ऊपर बार है। तो सबसे पहले तो हमें लेट लिखना होता है, लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। मैंने आपसे क्या कहा था, हम चाहते हैं इस नंबर को कि डेसिमल के बाद में केवल बार वाला नंबर हो। तो डेसिमल के अभी बार क्या है, सेकंड नंबर डेसिमल के बाद में दो प्लेस के पर है, तो हम इस 4 को इधर ले जाएं तो डेसिमल के बाद में केवल हमारा बार वाला नंबर रह जाएगा, और हमें एक प्लेस को ही शिफ्ट करना है, तो उसका मतलब इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें हम, 10 का। तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। तो ये हमारे बन जाएगा 10x इक्वल्स टू 4.7 बार, ठीक है। लेकिन केवल एक नंबर होने से यहाँ पर हमारा काम नहीं चल रहा, हम चाहते हैं कि एक और ऐसा नंबर बन जाए जिसमें हमारे पास बार के बाद में भी और 7 आ जाए, यानी इसी नंबर में हम, अच्छा नहीं, दूसरा आप यहाँ से देखिए कि डेसिमल के बाद में एक्चुअल में कितने नंबर हैं, यहाँ पर 2 नंबर हैं। जब डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो यानी 1 के साथ 2 जीरो लगा लीजिए, कितने हो गए 100। अब आप इसी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब आप इसी नंबर में इक्वेशन पर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 100x इक्वल्स टू 47 आगे चला जाएगा 47.7 बार हमारा आंसर आ जाएगा, ये ठीक है, क्लियर। क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते थे, हम लिख सकते 0.4777, और हमने जैसे ही 100 का मल्टीप्लाई किया ये दो नंबर हमारे आगे चले जाएंगे, डेसिमल दो प्लेस बाद में शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला नंबर हमारा फिर बाद के फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हमारा ये नंबर आ गया, इस नंबर को हम स्प्लिट कर ले, इस नंबर को हमें किस नंबर पे स्प्लिट करना है, 4.7 में, यानी इसमें से हम 4 और माइनस कर दे तो उसको लिख सकते हैं 43 + 4.7 बार, लिख सकते हैं, लिख दिया। तो अब क्या हो गया, इस 4.7 बार को हमने यहाँ पर क्या सपोज किया हुआ है, 10 है, तो ये हो गया 100x इक्वल्स टू 43 + 10x। सॉल्व कर लें, 100x माइनस 10x इक्वल्स टू 43, यानी आ गया 90x इक्वल्स टू 43, x इक्वल्स टू 43/90। आपको बस दो ही बातें याद रखनी है, कितने नंबर के ऊपर बार है और डेसिमल के बाद में कितने प्लेस तक नंबर लिखा हुआ है, उतनी बार आपको दो बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक ही बार बार है और एक ही नंबर है तो एक बार तो आप कर चुके हैं, लेकिन अगर दो नंबर है तो दो बार करना, और एक नंबर के ऊपर बार है तो एक नंबर से भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पर 10 और 100 से दोनों से मल्टीप्लाई तो बहुत जरूरी है। ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तब तक मैं फर्स्ट ड्रॉप कर देती हूँ और एक्सरसाइज का इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको यहाँ पर करके बता देती हूँ। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, जो कि इसका थर्ड पार्ट है, 0.001 बार। इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब हो गया कि हो गया 0.001001 एंड सो ऑन, यही तो हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.001 और पूरे नंबर के ऊपर बार, यह है x हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम देखें डेसिमल के बाद में कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं, और बार कितने नंबर के ऊपर है, तीनों नंबरों के ऊपर है, तो दोनों 3 नंबर है, तो इन्हें मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 के साथ 3 जीरो लगा लीजिए 1000, यानी इस इक्वेशन में 1000 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 1000 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1000 x इक्वल्स टू, जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये डेसिमल 3 प्लेस के बाद में यहाँ चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.001 और 001 के ऊपर हमारा बार आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसको फिर हम स्प्लिट करते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1+0.001 बार और 1+0.001 बार को हमने क्या सपोज किया, x, तो यहाँ लिखते हमने x, तो 1000 x - x = 1, 999 x = 1, x = 1 upon 999, तो यहाँ पर x की वैल्यू p/q के फॉर्म में आ गई 1/999, यानी 1/999। इस तरीके से हम इसको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए और फिर हम इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस 0.9999 अप टू सो ऑन इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, इस 0.999 को हमें p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, और फिर क्या आप इसको देख करके सरप्राइज, अपने आंसर को देख करके सरप्राइज होंगे, विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस, कि इस तरह का जो आंसर है वो आपका क्यों बना है। तो अभी हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, वो है 0.99999 एंड सो ऑन, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.9 बार, 9 आपका बार बार आ रहा है, तो ये क्वेश्चन किस टाइप से बन गया आपका, क्वेश्चन नंबर 3 के टाइप से हो गया। इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो हमने लिख दिया लेट एक्स इक्वल्स टू 0.9 बार। अब आपको मैंने एक चीज बताई है, क्या कि डेसिमल के बाद में कितने नंबर है, एक ही नंबर है, तो यानी किससे मल्टीप्लाई करना, 10 के साथ, और कितने नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर, तो यानी फिर 10 से, तो 10 से तो केवल एक ही बार कर सकते हैं ना, तो हमने केवल 10 से कर दिया। ठीक है, मैंने अपनी बार शॉर्ट में लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, क्या बन जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई में x किया 10 है, इक्वल्स टू 10 से कर देंगे तो एक नंबर इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 9.9 बार। अब 9.9 बार को हम स्प्लिट कर दें, क्या बन जाएगा, 9+0.9 बार, 0.9 बार को हम क्या कह रहे थे, x, इक्वेशन 1 में क्या कहा था हमने, x, तो ये हो जाएगा 10x = 9+x, तो 10x - x = 9, तो 9x = 9, x = आ गया 1, x = 1 आ गया, तो क्या कैसा आंसर आ गया, ये तो आपका होल नंबर आ गया, होल नंबर कहें या रैशनल नंबर कहें, तो क्या अगर ये होल नंबर है तो क्या ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, इसके नीचे आप 1 लिख दीजिए तो ये रैशनल नंबर भी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, और बार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या इसके आंसर्स को चेक करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी है, वो शॉर्टकट ट्रिक का वीडियो मैंने पहले से बनाया हुआ है,
तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आई के आई बटन पर जाकर के आप पुश करके भी उस लिंक पर जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।